नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नीमच भरभड़िया फंटे के पास स्थित नाकोड़ा लुब्रिकेंट फैक्ट्री पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीण सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं ग्रामीणों के कुएं उगल रहे हैं डीजल। दरअसल भरभड़िया के ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आए दिन ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि हाईवे पर नाकोड़ा लुब्रिकेंट फैक्ट्री स्थित है जिसके संचालन मोहित बंसल है। फैक्ट्री में बायोडीजल के रिसाव के कारण फैक्ट्री के आसपास के कुओं में बायोडीजल निकल रहा है जिसकी जांच प्रदूषण बोर्ड द्वारा मौके पर जाकर की गई थी और ग्रामीणों ने जांच अधिकारियों के सामने कुएं से पानी निकालकर आग लगाई थी, परंतु उसके बाद भी फैक्ट्री संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी आते हैं और अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या प्रशासन ऐसे ही फैक्ट्री संचालक को शरण देता रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा? कुएं के पानी से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गईं। किसान लगा रहे हैं प्रशासन से गुहार, कहां से लाएं पानी और कहां से करें खेत की सिंचाई? किसान के हित में बात करने वाले कहां हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान? क्या मुख्यमंत्री तक नहीं जा रही किसानों की आवाज़? अब देखना होगा कि ग्रामीणों को न्याय मिलता है या ऐसे ही अधिकारी कब तक टालम टोल करते रहेंगे। सब इस तरह आश्वासन ही मिला है और ये नाकोड़ा लुब्रिकेट फैक्ट्री के संचालक द्वारा स्वयं कबूला हुआ है कि मेरे यहाँ से रिसाव हुआ है और शासन प्रशासन इसको बचाने में लगा हुआ है। कितना टाइम रिसाव हुआ है? एक साल से ज़्यादा हो गया लगभग। और क्या क्या समस्या आती है? डीजल आएगा तो समस्या ही है कि पानी पीने में दिक्कत आ रही है, हम गांव से लाना पड़ता है पानी। जांच टीम आई पर अभी तक इसका कोई मतलब जांच करने आए थे वो सैंपल भी ले गए, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार आवेदन दे दिया? बहुत आवेदन देख देख के तो थक गए हम तो। क्या आश्वासन क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ से रिसाव नहीं हो रहा, फैक्ट्री की तरफ से रिसाव नहीं हुआ ऐसा बोल रहे हैं। और नाकोड़ा लुब्रिकेंट्स के संचालक क्या बोलते हैं? कि मेरी फैक्ट्री से रिसाव हुआ है। मतलब अरे वो मामला तो वो एक हमारे कुएं में डीजल आ रहा था, तो हमने उनको बुलाया तो वो बोल रहे कि आप हमारे अट फैक्ट्री में आ जाओ। तो फैक्ट्री में गए, वहाँ हमने फसल के नुकसान की बात की थी वो, और हमारे ऊपर ब्लैकमेल का झूठा आरोप लगा रहा है। आठ कथा किसान अभी किसान 8-10 किसान इस यहाँ पे 2-3 कुएं प्रभावित है और ज़्यादा और बढ़ गए, कुएं तो 7-8 हो गए लगभग। हमने हमारे नुकसान की भरपाई मांगी थी, ना कि कोई ब्लैकमेल जैसा कोई इसमें रोल भी नहीं, और हमने वो अपनी 9 मिनट और 26 सेकंड की रिकॉर्डिंग वायरल की थी और ना उसने सिर्फ 1 मिनट और 45 सेकंड की जो उसके हित की बात थी उसने वो ही रखी। राजेंद्र पाटीदार भरभड़िया। मेरा होटल है भरभड़िया चौराहे के समीप, जहाँ पास में नाकोड़ा लिमिटेड कंपनी द्वारा आयल की फैक्ट्री है, वहाँ डीजल का रिसाव हुआ बारिश में और उसकी वजह से मेरी होटल के पास में एक कुआ है जहाँ से मैंने पानी ले रखा है 1,00,000 रुपये साल के इसमें, तो इसमें भी डीजल आ गया है। तो मेरी होटल पे जो पानी आता है उसके अंदर भी डीजल आता है, तब तो कस्टमर हाथ धोता है और बोलता है कि इसमें तो डीजल की बदबू आ रही है पानी में, तो बोतल खोल खोल के देने से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। उसके बाद नहाने से बीमारी हो रही है इसके अंदर, इस पानी की वजह से बहुत सी बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है इसके वजह से। और ये गुवार कलेक्टर विधायक SDM तहसीलदार सबको लगाई, यहाँ के पटवारी को भी लगाई, तो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इस पर। सब आते हैं अपना अपना काम करके और सब चले जाते हैं और वो बोलता है कि मेरी फैक्ट्री आप सील नहीं करा सकते हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रशासन। मैं प्रशासन को बोल रखा है कि मेरा इस फैक्ट्री से रिसाव हो रहा है, प्रशासन बोलता है कि इस फैक्ट्री से रिसाव नहीं हो रहा है, आप गलत बोल रहे हैं, आपने टैंकर खाली कराया आपके कुएं में। अब एक कुएं में कोई टैंकर खाली करा सकता है, 4 कुएं में तो कोई टैंकर खाली नहीं करा सकता है। यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाओ आप तो भी वही हाल है, हर कुएं में डीजल की बदबू आ रही है। आज आने वाले समय में वहाँ इंद्रप्रस्थ आगे यहाँ से भी कम 2 किलोमीटर दूर उसकी ट्यूबवेल में बदबू आना शुरू हो गई। अब इधर सामने है तो घाटी तक बदबू चली गई, तो ऐसे में सबका नुकसान हो रहा है, किसान ना अनाज बो सक रहा है ना कुछ कर पा रहा है और मेरी होटल पे कोई ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे 5 महीने हो गए कम से भी कम ये होटल को बंद करे हुए,
आज मेरा इतना नुकसान हुआ इस होटल में, कम से भी कम मेरा 5.5 लाख रुपए का नुकसान इसके अंदर। अब इसकी भरपाई कोई करने के लिए तैयार तो है नहीं। अब ना प्रशासन हमारी सुन रहा है, ना कुछ हो रहा है। प्रशासन के पास जाओ तो बोलते हैं हमारी, हम क्या करें इसमें। और 181 पे शिकायत करी तो वो बोले कि ये तो निजी मामला है, वो ही करेंगे इसमें भी। अनिकेत दवे, मेरी पास में होटल श्री शाम है, मैं नीमच निवासी हूँ। अब पहले कुछ ग्रामीणों ने पहले शिकायत की थी कि कुएं में उसका पानी, उसका तेल जो है कुछ रिस कर आ रहा है, जिसके जांच कराई गई थी, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिट्टी के परीक्षण भी कराया गया था और बाकी वहां का भौतिक स्थिति का भी आकलन किया है, कराया गया था। अभी लास्ट जो अपडेट मेरे पास है उसके हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के यहाँ से जो क्षेत्रीय उनके संचालक हैं, उनकी तरफ से भी व्यक्ति आए थे जिन्होंने वहाँ पे जो तेल का जो रिसाव है उसके बारे में उसकी जांच करा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये एक वन टाइम एक्टिविटी टाइप की चीज़ थी जो एक बार सफाई से ठीक हो सकती है या कोई रिसाव कंटिन्यूस है अंदर से नीचे से है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्योंकि उसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके स्टडी करा के क्लियर करा रहे हैं।